कि जिस समय लड़का पूर्णमल अपने पिता सुलेभान का हुक्म मान के अपनी मौसी नूणादेव के दर्शन करने के लिए महल में पहुंच जाता है, जाकर डोरी पर आवाज लगाता है, वो बांदी बाहर आती है, हाथ जोड़कर ये कहता है कि माता प्रणाम। वो बांदी ये कहती है कि भाई मैं तेरी माँ नहीं पूर्णमल, मैं तो तेरी माँ की दासी हूँ, बांदी हूँ, कि आप भी मेरी माँ के समान हो। मेरी माँ से ये बेरा कर दे कि लड़का पूर्णमल आपसे मिलने के लिए आया। बांदी जाकर आवाज लगाती है, खड़ा होया घनी देर का तेरा पूर्ण राजकुमार री पुचकार ले जाकर। पूर्ण जोड़ी ऊपर कोट्यारी तेरा जीवड़ा क्यों ना दुखिया, बुखार से माँ की मेर का लिए सोच स्वरूप के मार री पुचकार ले जाकर। नूणा दे बाहर आती है, लड़के पूर्णमल की शान को देख कर चक्र खा कर जमीन पर गिर जाती है। लड़का पूर्णमल होश करवाता है कि माता प्रणाम, एकदम तो उल्टी हटगी। ये पूर्णमल देखिए तेरी मेरी जोट मिले है, मन माँ मत न्या के उसने कहिए तू किसने। नूणा दे क्या कहती है, क्या लिखा क्या पता? एरे जिसकी कुखत जन्म लिया तू सन कई है की कुखत जन्म लिया उसने कहिए माता जुल्मी जोपन काम देव मेरे ना काबू मैं आता जिस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आपके बीच में चली हुई है, मलिक छेड़ी सेंटर बड़ोद, बड़े भाई मदन मलिक 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और भाई संस्कृति को जो आपके सामने पेश करते हैं पंडा जी, एक मिनट रोकिए भाई, रोकिए। ये सिसी रागनी करा थारे सुन में नहीं आ रही, थारे मामा की छोरिया की ताली बजानी शुरू कर दी तुमने। धन्यवाद प्रमुख साहब, इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं और ये बहुत जल्दी यूट्यूब के माध्यम से प्रोग्राम आपके बीच में सुनने के लिए मिलेगा। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। जयवीर द्रोगा जी आदरणीय ललियाना से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पहले नंबर पे नूणा दे निबली के पूर्णमले तेरी मेरी जोट मिले है, एक पर कर ले इस काम ने ना दे तनवा बाट भी ना मिलेगी। पहले नंबर पे क्या कहा क्या लिखा, और मेरा कभी तुम्हें दर्दा होगा मेरी बात मोड़ी का, मेरी उम्र से 18 साल की तू से मेरी जोड़ी का, और पूरण मल तू झटका ले दे इस जिंदगी थोड़ी का, कसी कसाई खड़ी थान पे कठनिया घोड़ी का, कसी कसाई खड़ी
तरसाई पानी प्याजे, मरूं तरसाई पानी प्याजे, चौना प्यास बुझाता मित्र भाई नरेंद्र और सुरेंद्र 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हरियाणा वाले जींद वाले बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भाई ने भी 10 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद जमेरो वाड़े देखेंगी सारी राय तमने देखेंगी। हाँ यही न की बात चल रही है, ध्यान तो सुनियो। हाँ यह बात भी न की चल रही है। दूसरे नंबर पर क्या कहा क्या लिखा है क्या बता या कद की सरपट कैसे छाती तड़की न्यू है मेरी तो दूर खड़ा मट कैसे पूरण मल केरा रूप देख के मेरा मन भट कैसे रूथ पे मेवा पाच रही कितनी तेल है लट कैसे रूथ पे मेवा पाच रही कितनी तेल है लट कैसे हे बसंत रे अंगूर दाखी हे बसंत रे अंगूर दाख तू न सू अपन क खाता तू भी को अपने अपने वो मेरे ना काबू के पूर्ण मले धोखा खागा था इस मौका चूक जागा थे। देखिए मेरे रूप को देख तेरी मेरी जोट मिले है क्यों करे ऐसा काम। तीसरे नंबर पे क्या कहा क्या लिखा जी प्रमुख जी एक सेकंड लोगों पर बिल्कुल बिल्कुल जोश भर जाता पर मैंने रोक दिया आपका। कोई बात नहीं फेर कर देंगे जोश नाम हो जाएगा रे हो जाएगा शांति कर ले। मेरी बात सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ मैं शांति का कर ले बात सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ फूफस रहे सुन तो ले एक बार मेरी ये बात कह रहा हूँ मैं गुलबार सिंह शामली गाँव रसूलपुर अगर मेरी आवाज आ रही तक मेरे स्टेज पर आ जाए गुलबार सिंह पंडित जी गाना करें हम शुरू। धन्यवाद 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 क्या कहा तीसरे नंबर पे क्या लिखा क्या बता शुरू रूप जनो बिजली चमक घन में मीठे मीठे बोली से
सुनो कोयल कूके बन में पूरण मल तेरा रूप देख के उठे जाल बदन में पुटे तेरी भली कवारी तू कवया जवानी पण में पुटे तेरी भली कवारी तू कवया जवानी पण में पल्ला पसारू पीख गाल दे पल्ला पसारू पीख गाल दे मल पिक सक तू दांता अजीज मित्र भाई सुरेंद्र हरियाणा जींद 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। भाई पीरू सदरपुर से 200 रुपए पहले 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है। प्रेमी ने 10 रुपए से और मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। आदरणीय राजू पहलवान जी डगरपुर से पहलवान जी 100 रुपए मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। पंडित जी रोक एक बार के कह रहा स्वाद ना आ रहा डलदा घी खाने की आदत पड़ रही है ना इनसे देसी से बढ़िया जुगाड़ कितने हांड ले हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले बाकी तो ठुमके ठुमके उन्हें देख के तुम राज्य हो जाया करो। वाह बात सुन बैठ जा भाई छोटा बैठ जा वाह ठुमके वाले तेरी भूख पसरी आने बैठी अभी करवा 10 मिनट रुक जा तू थोड़ी देर छक ली जा नीचे दे तू भूख गाँव पंडित जी प्रमुख जी हमने तो ये सुना था कि डगरपुर में इतने बढ़िया श्रोता हैं बढ़िया बातों के सुनने वाले और सच्चाई है श्रोता बढ़िया है लेकिन रोड़ा एक और पड़ रहा है लोगा की नींद खराब हो रही है निगाह और किते बंद रही है। हाँ ध्यान से सुनो एक एक अक्षर समझ में आवेगा। आखिरी नंबर पे नूना दे ये कहती है पूर्णमल क्योंकि कामदेव के नशे में घिर चुकी थी नूना दे पूर्णमल एक बीतर ने चाल पड़े सारी बात की मौज कर दूंगी। आखिरी नंबर पे क्या लिखा क्या कहा क्या सोरे ये कह ऋषि ब्रह्मचारी तो सकत किए वाग रहे और बिछड़े पलंग निवारी गुरु मान संग ख्याल करो तरी क्यों कही अक्कल मारी गुरु मान संग ख्याल करो तरी क्यों कही अक्कल मारी नीर गेर के तब तब बुझा दे गेर के तब तब बुझा दे लक्ष्मी तुद कथका सबसे देखा